स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको नाड़ी की बेसिक्स, नाड़ी की थ्योरी सब कुछ बताई। नाड़ी देखने का तरीका है वो हमें दिखती है, और असामान्य नाड़ी में क्या क्या चीजें दिखती है वो लेवल वन में हम चीजें देखेंगे। हम इतना जानते हैं कि वात, पित्त और कफ, इनकी जो गति है वो हमें नाड़ी में दिखती है। हम कहें तो कफ पित्त वात नाड़ी में, अगर हम नाड़ी में हम दोषों की बात करें तो कफ पित्त और वात ये क्रम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कफ सबसे पीछे होता है, पित्त मध्य में होता है और वात सबसे आगे होता है। नाड़ी में हम वात पित्त कफ नहीं कहकर कि कफ पित्त वात भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने आज आपको जानना है, बताना है कि नाड़ी में वात पित्त और कफ कहाँ पर आते हैं। तो मैं एक डायग्राम आपके सामने दर्शाता हूँ, आप इस डायग्राम को देखें। 24 लोग जुड़ चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग केवल रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं वो लाइव में आए। रिकॉर्डेड भी तभी फायदा करेगा जब आप लाइव में आएंगे, ऐसे खाली देखने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ नाड़ी में कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नाड़ी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आंचल वर्मा जी भी ज्वाइन हो गई है। चलिए, हम नाड़ी में जो चीज देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाड़ी में अब हमेशा ये डायग्राम बनेगा, ये तीन डायग्राम आपको हमेशा बनेंगे जो आपको समझने होंगे, नंबर दो और ये नंबर तीन। ये हमने आपकी तीन उंगलियां बना दी, दीज आर द थ्री फिंगर्स। ये डायग्राम अभी से लेकर के अंतिम लेक्चर तक बनेगा, और जो चीज हम देखते हैं वो मैंने कल भी आपको परसों बताया था कि हम अपनी कर्वेचर को देखते हैं। हम अपने कर्वेचर पर जो सेंसेशन आता है वही हम नाड़ी में देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इस तरफ, आप जानते हैं कि हृदय से रक्त का प्रवाह होता है, मैंने अपने पहले प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन दिया था उसमें बताया था कि हार्ट से ब्लड का फ्लो होता है इस तरफ को, कहाँ को होता है, ये फ्लो होता है टुवर्ड्स द थंब, या इसको हम कहें टुवर्ड्स द हैंड, और हम उसके बीच में अंगुष्ठ के मूल के अधिपश्चिम भाग के मध्य में हम क्रमशः अपनी कौन कौन सी उंगलियां रखते हैं। तो हमने ये अपनी इंडेक्स रख दी, ये हमने मिडिल रख दी, ये हमने रिंग रख दी, IMR। अब हमने जो भी चीज देखनी है वो अपने इस कर्वेचर पे देखना है, जो ये उंगली का कर्वेचर है, इस कर्वेचर पे हमें चीजें दिखती है। तो यदि एक नदी बह रही है जो हृदय से हाथ की तरफ या हृदय से अंगूठे की तरफ, मैंने बताया था आपको, इतना आप भी जानते हैं कि वात सबसे नेता है, आगे आगे चलता है, इंजन है वो आगे आगे चलता है, पित्त उसके पीछे पीछे चलता है और कफ सबसे अंत में चलता है। तो आगे आगे जो चलता है उसका हमेशा जो इंप्रेशन है, आप ध्यान रखिएगा मेरी बात पे, हमारी उंगली के कर्वेचर के तीन हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो हार्ट के नजदीक होता है, एक हिस्सा जो हार्ट के बीच में होता है, और एक हिस्सा जो हार्ट से दूर होता है। उंगली के कर्वेचर के तीन हिस्से होते हैं, यानी हर उंगली पे हमारा जो कर्वेचर है उसके तीन हिस्से हैं। जो हार्ट के नजदीक होता है, यानी जो नंबर वन हमने लिखा, जो मैंने नंबर वन लिख रहा हूं मैं, ये नंबर वन, फिर एक नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री। जो नंबर वन है, ये नंबर वन कहलाता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एंड, और जो नंबर थ्री है ये कहलाता है डिस्टल एंड, और जो नंबर टू है ये कहलाता है मिडिल ऑफ द कर्वेचर। यानी उंगली के कर्वेचर के तीन हिस्से होते हैं, एक हिस्सा, एक एंड जो हार्ट के नजदीक होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, एक हिस्सा, एक एंड जो मध्य में होता है उसे बोलते हैं मिडल एंड, और एक हिस्सा जो हार्ट से दूर होता है या हम कहें कि अंगूठे के करीब होता है वो है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड, मिडल एंड और डिस्टल एंड, ये क्लियर समझ में आ गया,
ये रिंग मिडिल इंडेक्स या एंड इंडेक्स मिडिल रिंग, ये तीनों ही फिंगर्स पर ये हमें मिलता है। आपको मैं बताता हूं, जैसे ये मेरी उंगली है, इस उंगली का ये उंगली आप अपनी अपनी उंगली देख सकते हैं। अगर आप उंगली को इस प्रकार से आप अपने अंगूठे पे लगाते हैं, यदि आप गौर से देखें, हमने ऐसे उंगली को अपने अंगूठे पे प्लेस किया तो इस उंगली का एक कोना जो है वो अंगूठे के करीब है, दूसरा कोना अंगूठे से दूर है। इसका एक कोना अंगूठे से करीब है, दूसरा कोना अंगूठे से दूर है। इसका एक कोना अंगूठे से करीब है और दूसरा कोना अंगूठे से दूर है। तो जो हिस्सा अंगूठे से दूर है वो हिस्सा हृदय के करीब है। नहीं, अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, अगर इसको ये ऐसे पलट के ऐसे दिखाऊं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये अंगूठे के करीब था। अभी ऐसे किया ना मैंने, तो ऐसे कर दिया। आप देखो ना, जो एक कॉर्नर जो है कर्वेचर का, वो अंगूठे के करीब है और एक कॉर्नर अंगूठे से दूर है। आप देखो लगा के, ये कॉर्नर अंगूठे से करीब है तो ये कॉर्नर अंगूठे के दूर है, ये कॉर्नर अंगूठे के करीब है तो ये कॉर्नर अंगूठे से दूर है, ये कॉर्नर करीब है तो ये कॉर्नर दूर है। या हम यू कहें तो ये कॉर्नर हृदय के करीब है तो ये कॉर्नर हृदय से दूर है। उल्टा बोले तो ये हृदय के करीब है, हृदय से दूर है, ये हृदय के करीब है, हृदय के दूर है। समझ में आई बात? और एक हिस्सा मध्य में है। जो हिस्सा अंगूठे के करीब है या हृदय से दूर है वो डिस्टल एंड कहलाता है। जो हिस्सा हृदय के करीब है और अंगूठे से दूर है वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। तो उंगली के कर्वेचर के तीन हिस्से हैं जो मैंने यहाँ पे फिर मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको ये फिर से याद आ जाए। हमारा जो रक्त का प्रवाह है वो हृदय से अंगूठे की तरफ या हैंड की तरफ हो रहा है। तो उंगली के कर्वेचर के तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो हार्ट के करीब है वो प्रॉक्सिमल है, दूसरा कॉर्नर जो हार्ट से दूर है या अंगूठे के करीब है वो डिस्टल है। ये तीनों ही उंगलियों के कर्वेचर पर ये तीन आपको एंड्स मिलते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एंड समझ में आया आपको? जी, और लोगों को नेहा तिवारी जी, इसीलिए कहते हैं ना कि बिना लाइव लेक्चर में आए नाड़ी ज्ञान नहीं हो सकता, इतना बेसिक जानना बहुत जरूरी। जी पार्थ वृत्तो जी, अपनी उंगली को, मेरे पुराने लेक्चर्स को देखना, मैंने बताया है उसमें अंग नाड़ी कैसे देखते हैं, नाड़ी देखने का तरीका। ये देखो, ये हमारा अंगूठा है, ये इसका मूल है। इस मूल पर जो मर्म जानते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे स्टाइलाइट प्रोसेस या रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है। उसको छोड़ करके आपको अपनी तर्जनी उंगली रखनी है, फिर उसके बाजू में अपनी मध्यमा रखनी है और उसके बाद अपनी अनामिका उंगली रखनी है। तो यदि आप ऐसे रखोगे तो आपको आसानी नहीं होगी। अगर आप इजीली देखना हो तो आप इसको ऐसे रखोगे। सेल्फ अगर पल्स देखना हो तो आप कौन सी एंड से जाएंगे? रेडियल एंड से जाएंगे। ये रेडियल बोन है, रेडियल एंड से जाएंगे। तो आपको, आपने ध्यान ये रखना है कि इसको इस संगीत के वाद्य यंत्र में जिसमें रोगों का निदान होता है उसमें आपकी तर्जनी उंगली हमेशा अंगूठे के मूल पे होनी चाहिए, मध्यमा उसके बाद होनी चाहिए और अनामिका उसके बाद होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको। और उसको अगर ऐसे दिखाएं तो फिर ऐसे रखो, ये हम दिखाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो आप देख रहे हैं कि उंगली का कर्वेचर का एक हिस्सा जो है, एक कोना अंगूठे के नजदीक है और दूसरा कोना अंगूठे से दूर है। तो जो हिस्सा अंगूठे से दूर है वो हिस्सा हमारे हृदय के करीब है, क्योंकि रक्त का जो प्रवाह है वो इस रेडियल आर्टरी में, इस नाड़ी में हृदय से अंगूठे के मूल की तरफ हो रहा है। फ्लो किधर हो रहा है? फ्लो जो है वो अंगूठे के मूल की तरफ हो रहा है। तो एक उंगली के कर्वेचर के तीन हिस्से हुए, एक मध्य वाला हिस्सा, एक हिस्सा जो अंगूठे के करीब है हृदय से दूर है, दूसरा हिस्सा जो अंगूठे से दूर है हृदय के करीब है। हर उंगली के कर्वेचर के तीन हिस्से होते हैं। देखो, ये पहला एक हिस्सा, ये वाला एक कोना, ये वाला एक बीच वाला, एक ये वाला कोना, फिर एक बीच वाला, फिर ये वाला कोना, फिर ये इसका ये वाला कोना, ये बीच वाला कोना और ये वाला कोना। समझ में आ गया जी? जिनको समझ में नहीं आया था उनसे पूछ रहा हूं मैं।
जी हर्षित गुप्ता जी को समझ में आ गया, सभी को आना चाहिए समझ में। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे गाड़ी नहीं जाएगी और गाड़ी पलट जाएगी आगे जाके। जी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने आपने अभी तक ये पढ़ा होगा वात पित्त और कफ कहाँ दिखते हैं। वात पित्त और कफ उंगली के इन्हीं कर्वेचर्स पर फील होते हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि तर्जनी उंगली पर हमें वात का इंप्रेशन आता है, मध्यमा उंगली पर हमें पित्त का इंप्रेशन आता है और अनामिका उंगली पर हमें कफ का इंप्रेशन आता है। लेकिन अब आप एक काम करो, अभी वो भी बात नहीं करते, अब आप क्या करो, आप अपनी तर्जनी उंगली को लगाओ अपने अंगूठे के मूल पे और जरा देखो कुछ मिल रहा है वहां पे। देखो जरा, जो मिल रहा है वो वात है। उसके बाद आप अपनी मध्यमा उंगली को लगाओ, बाकी हटा लो, तो देखो आप क्या मिल रहा है। अभी क्या मिल रहा है हम दिखाएंगे आपको, अभी तो आप खुद अपनी नजरों से देखो, वो पित्त है। और उसके बाद आप अनामिका उंगली पर अपनी उंगली के कर्वेचर को, मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्लेसमेंट हमेशा ऐसा होता है, उंगली का प्लेसमेंट ऐसा होता है, कर्वेचर को हम रखते हैं नाड़ी पर, न कि ऐसा होता है, हमारा जो प्लेसमेंट है हमेशा ऐसा होता है नाड़ी देखने में। कई लोग नाड़ी ऐसे प्लेस करके देखते हैं, ये तरीका आपको कभी भी सही नहीं होगा। ऑलवेज द नाड़ी देखने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है, कर्वेचर को आपने अपनी रेडियल आर्टरी पे रखना है, बात आपने ध्यान देनी। तो अब आपको हम बताते हैं, पहले आप जानो, नदी बह रही है, उस नदी में सबसे आगे आगे जो नियंता और प्रणेता है, जिसे नेता कहते हैं, जिसे कहते हैं कि वो अगर नहीं है तो पित्त और कफ पंगु है, यानी इंजन है, वो इंजन सबसे आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे डिब्बे चल रहे हैं, यही तो रेलगाड़ी चल रही है और लगातार वो रेलगाड़ी बह रही है नाड़ी रूपी नदी में, उसकी गति सतत हो रही, सततम नाड़ी प्रभंजन गति सततम परिच्छेद। अब मैं आपको इसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे, और अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, अब मैं इसकी कुछ चीजें यहां से इरेज करता हूं, अब मैं ये टर्मिनल ये पॉइंट हटा देता हूं, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल भी हटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया, ये हटा देता हूं, चित्र वही है, चित्र में कोई परिवर्तन नहीं है, हमने केवल अब ये बताना है आपको कि जो नाड़ी की जो नदी है, नाड़ी में बहने वाली नदी हृदय से अंगूठे के मूल की तरफ बह रही है, उस नदी में, उस नदी के बहाव में, उस नदी के बहाव में जो एक बहाव ऐसा है जिसकी तरंग ऐसे चल रही है, गौर से देखिएगा, उसकी तरंग कैसी चल रही है, ऐसी चल रही है, ये तरंग चल रही है और इसकी टकराहट हृदय के नजदीक है और अनामिका अंगुली पर है। मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, हृदय से चलती हुई रेडियल आर्टरी में बहती हुई नदी, रक्त की नदी में एक तरंग ऐसी है जो हृदय के नजदीक वाले अनामिका उंगली पर आकर गिर रही है, इसको बोलते हैं कफ। अभी मैं बताऊंगा आपको, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कफ, ये हमेशा प्रॉक्सिमल एंड पर आती है रिंग फिंगर के। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये हर फिंगर के प्रॉक्सिमल एंड पर आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, कफ गतिमान है, ये नदी बह रही है तो ये कफ फिर यहां आके फील होगा आपको, हर उंगली के ये प्रॉक्सिमल एंड पर आपको ये कफ फील होता है। प्रॉक्सिमल का अर्थ जो हृदय के करीब है वो प्रॉक्सिमल है। दूसरा, अगर आप गौर से देखें तो एक दूसरी तरंग आपको बहुत जो आ रही है और एकदम स्पाइक ले रही है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो हमारी हर उंगली के मध्यम कर्वेचर पे आके टकरा रही है, अभी उसके नेचर की बात नहीं कर रहे। और एक तीसरी तरंग है जो आप देखेंगे, वो तरंग हमारे
उंगली के हार्ट से दूर या अंगूठे से करीब वाले हिस्से पर कुछ यूं टकरा रही। तो ये साहब जो अभी आपको हमने दिखाया, जो बीच पे टकरा रहे थे, ये पित्त का इंप्रेशन दे रहे हैं। और जो हमारे हार्ट से दूर वाले हिस्से पे टकरा रहे हैं वो हमें कफ का इंप्रेशन दे रहे हैं, सॉरी वात का इंप्रेशन दे रहे हैं, वात। तो अगर आप गौर से देखें तो हर उंगली के तीनों कर्वेचर पर तीनों दोषों का इंप्रेशन आता है। हृदय से नजदीक वाले कर्वेचर पर कफ का इंप्रेशन आता है, हर उंगली के मध्यम कर्वेचर पर पित्त का इंप्रेशन आता है, और हर उंगली के हृदय से दूर वाले डिस्टल एंड पर वात का इंप्रेशन आता है। लेकिन अगर हम ऑन एनेवरिस कहें तो वात सबसे ज्यादा हमें इंडेक्स फिंगर पर, पित्त सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमें मिडिल फिंगर पर, और कफ सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमें रिंग फिंगर पर मिलता है। यदि आप इसको ना भी समझें तो आप ये समझें कि रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल एंड पर कफ, मिडिल फिंगर के मिडिल एंड पर पित्त, और इंडेक्स फिंगर के डिस्टल एंड पर वात का इंप्रेशन आता है। समझ में आई बात? गौर से समझिए, उंगली के तीन बिंदु, तीन डिस्टेंस, तीन एंड, एक प्रॉक्सिमल, एक मिडल और एक डिस्टल। यदि आप मोटे तौर पे देखें तो तर्जनी अंगुली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसके हार्ट से दूर वाले हिस्से जिसे हम डिस्टल एंड कहते हैं, या अंगूठे के नजदीक वाले हिस्से पर हमें वात का रिप्रेजेंटेशन आता है। इसी प्रकार मध्यमा उंगली की कर्वेचर के मध्यम हिस्से पर हमें पित्त का इंप्रेशन आता है। और वहीं अगर हम कहें कि अनामिका अंगुली के हृदय से नजदीक वाले हिस्से पर या अंगूठे से दूर वाले हिस्से पर कफ का रिप्रेजेंटेशन आता है। अब मैं आपको पहले तो ये कैसे आता है, पहले अब आप अपनी अपनी तीनों उंगलियों को क्रमशः आप जो मैं बताता हूं वैसे वैसे देखें। अब आप देखें कि वात जो है, वात का कैरेक्टर क्या है। ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई नहीं आई? ये थोड़ी बहुत अभी आई होगी, थोड़ी बहुत अभी आ जाएगी, जब आप देखेंगे तब समझ में आएगी। तो वात के पल्स का नेचर आप जाने, जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे वो शायद समझ रहे होंगे, पर जो नए हैं उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वात की जो पल्स है, इसका जो नेचर कैसा है, लिख लीजिए आप, बहुत जरूरी है जानना। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं आपको कल दूंगा, अगर आप लोगों को चीज समझ में ना आए तो बार बार देखना। वात की पल्स का जो नेचर है वो सुपरफिशियल, यानी कि हल्की सी उंगली रखोगे आप इंडेक्स फिंगर तो वात का पता चल जाएगा। कोल्ड, ठंडक लिए हुए है। टेम्परेचर जब भी एसेस करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं, ठंडा है तो किससे कंपैरिजन में ठंडा है, हल्का है, लाइट है, बहुत पतली है, बहुत बहुत फीबल है, खालीपन है उसमें, इम्पटी है। और यदि आपने अधिक दबाव दे दी तर्जनी उंगली की तो डिसअपीयर भी हो जाती है। आप लिख लो, इट इज अ कोल्ड लाइट थिन फीबल एम्प्टी एंड व्हेन अप्लाइड मोर प्रेशर देन मे डिसअपीयर, गायब भी हो सकती। अब आप एक काम करो, आप अपनी अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल के नीचे स्टाइलाइट प्रोसेस को छोड़ करके जरा रखिए और देखिए कि क्या आपको ऐसी कोई नाड़ी दिख रही है जो हल्की सी उंगली का कर्वेचर रखते ही आपको अंगूठे के नजदीक वाले एंड पर ज्यादा फील हो रही हो, बहुत हल्की फील हो रही हो, फीवल फील हो रही हो, खालीपन लिए हुए फील हो रही हो, और जरा ज्यादा प्रेशर डालें तो फील ही हो ना हो रही किसी किसी में। जरा देखिए आप, मुझे उम्मीद है कि वात और पित्त को आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होती है,
कफ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है। चलिए, आपको कुछ तो दिख रहा होगा इंडेक्स पे, अभी आप मिडिल और रिंग पर मत देखिए, अभी आप इंडेक्स पर फोकस करिए, फील हो रही है। अभी जब आप कंपैरिजन करेंगे पित्त से तो आपको ये और समझ में आएगी। अभी मैं गतियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये हमारी तर्जनी उंगली के अंगूठे के नजदीक वाले हिस्से, जिसे हम एंड के हिसाब से डिस्टल एंड कहते हैं, क्योंकि वो हार्ट से दूर हिस्सा है, वहां पर ये अधिक फील होती है, वहां पर इसका निपात होता है। तो ये तर्जनी उंगली पर आने वाली पल्स, अरे रश्मि जी अभी मिडिल में तो हम आए ही नहीं है, अभी अभी जब हम आएंगे तब बताएंगे ना आपको थ्रॉबिंग है वो जी, वो आपको अब तो आगे चले गए, अभी तो हम इंडेक्स पे ही अभी आ रहे हैं। अगर आपने इस बात को गौर कर लिया, इसको बार बार एसेस करिए, बार बार एसेस करिए, ये वात की पल्स है। आपने हमेशा जब नाड़ी देख रहे हैं ना, तो नाड़ी में आपकी दृष्टि होनी चाहिए सर, इंडेक्स के मिडिल पार्ट में। क्या अभी अभी रहा इंडेक्स के मिडिल पार्ट में थ्रॉबिंग मिलेगी, वो हम बताएंगे आपको, बताएंगे अभी। अभी तो आप इंडेक्स के जो डिस्टल एंड पर देखिए, आप इंडेक्स के डिस्टल एंड पर देखिए, अभी आप आगे गाड़ी मत ले जाइए, इंडेक्स के डिस्टल एंड पर देखिए, आपको ऐसी लग रही होगी कोई चीज हल्की, सुपरफिशियल, बहुत पतली, फीबल और खालीपन लिए हुए, और अधिक दबाव डालने पर गायब हो जाने वाली एक गति मिल रही होगी, जिस गति को मैं अभी दिखाऊंगा। इसे बोलते हैं वात की पल्स। हाँ जी वर्षा रानी जी, लेकिन आप इस बात को मान रहे हैं, लेकिन ये बात किसी मॉडर्न साइंस वाले को बोलोगे तो नहीं मानेगा, वो बोलेगा ये तो बकवास है। नहीं, अब आगे आप देखो, अभी हमने अंगुली की कर्वेचर की बात करी, अब उसी के मध्यम कर्वेचर पर देखो आप, हर उंगली के मध्यम कर्वेचर पर आती है, पर अभी तो आप केवल मध्यम उंगली के मध्यम कर्वेचर की बात करो, मध्यमा उंगली के मध्यम कर्वेचर पे आप फोकस करो, तो आपको एक बड़ा थ्रॉब नजर आ रहा हो, जो रश्मि पांडे जी ने बताया कि उनको इंडेक्स पे भी नजर आ रहा है। वो इंडेक्स पे ही नहीं, वो मिडिल पे भी आएगा सर। प्रेशर बढ़ाने पर कोई बात नहीं विभाजी, किसी किसी में गायब हो जाएगी, सब में गायब नहीं होगी, पर किसी किसी में प्रेशर बढ़ाने से वो मिस होती। लेकिन आप गौर करना, आपकी उंगली के मध्यम कर्वेचर पे एक थ्रॉबिंग पल्स आ रही है, 110% गौर करो, आ रही है नहीं आ रही, एक पल्स ऐसी है जो आपकी उंगली के कर्वेचर को ऊपर लिफ्ट कराना चाह रही है, बहुत फुल है, स्ट्रॉन्ग विथ थ्रॉब है, वो उष्णता लिए हुए है, क्योंकि उसमें दबाव डाल रहा है वो नीचे से आपके ऊपर, उसका एम्पलीट्यूड अच्छा। यस ट्विंकल मीना जी, तीन लोग कह रहे हैं तो गलत तो कह नहीं रहे होंगे, एक कोई गलत रश्मि पांडे जी गलत कह रही होंगी, हो सकता है तो ट्विंकल मीना जी भी उसी को कहेंगे, ऐसा तो है नहीं, हम तो जानते भी नहीं आपको, ना हमने आपको कोई यहाँ से कोई कह रखा है पहले फोन करके कि ऐसा ही बताना, ऐसा भी नहीं है, जो है वो आपको दिख रहा है वही आप बता रहे हो, और ऐसा है, ऐसा फैक्ट है। हर उंगली के कर्वेचर के मध्यम हिस्से पर, फिलहाल तो हम मध्यमा उंगली की बात करेंगे, लेकिन जब आप गहराई से देखोगे तो हर उंगली के कर्वेचर के मध्यम बिंदु पर एक थ्रॉब, एक लिफ्ट करने वाली फुल स्ट्रॉन्ग ऐसी पल्स मिलती है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है, जो फोर्स लगा रही है, और जब फोर्स लगता है तो एनर्जी डिसिपिएट होती है, इस कारण टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, हॉट होता है, उसका नाम है पित्त, वो पित्त की पल्स है। यस, थ्रॉबिंग नेचर की मिडिल कर्वेचर पर फील हो रही है वर्षा रानी जी, होएगी ना, क्यों नहीं होएगी, सबको होएगी, जिनको नहीं हो रही है वो अपना शंख मर्म दबाएंगे, उनकी भी होएगी, शंख मर्म दबाओ, आपकी जो है वो टच सेंसेशन आपका इंप्रूव होगा, डेफिनेटली आपको धीरे धीरे फीलिंग थ्रॉबिंग पल्स इन इंडेक्स। यस 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 मृदुला जी, ये तो बहुत गहनता की बात है, वो आपको इंडेक्स पे भी मिलेगी, मिडिल पे भी मिलेगी, रिंग पे भी मिलेगी, फिलहाल हम आपको मिडिल की बात करेंगे, लेकिन वो हर फिंगर पर मिलेगी, हर फिंगर के कर्वेचर पे वात पित्त कफ मिलता है,
लेकिन हम फिलहाल इंडेक्स, मिडल और रिंग की बात करेंगे। तो मिडिल के मिडिल कर्वेचर पर थ्रॉबिंग है, टेम्परेचर आगे एक्सप्लेन करेंगे गीतांजलि जी। अभी टेम्परेचर के चक्कर में ना पड़ो आप तो इतना जानो कि कोई चीज आपको नीचे से दबाव डाल रही है। ये फिजिक्स का लॉ है कि यदि कहीं फोर्स लग रहा है तो फोर्स के जवाब में प्रत्येक एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है और उससे एनर्जी डिसिपेट होती है जो वहां का टेम्परेचर बढ़ाती है। जिसका फोर्स ज्यादा होगा वहां से टेम्परेचर भी उसका ज्यादा होगा उस एरिया का। ये एक फिजिक्स का नियम है, एकदम नियम है। अभी फिलहाल आपको वो समझने में थोड़ा सा अभी मेहनत करना है क्योंकि वो आगे का विषय है। फिलहाल तो आप इस बात पर एग्रीड हैं कि नहीं है कि वो थ्रॉबिंग है वो आपको हाँ प्रेशर ज्यादा अप्लाई करिए कोई बात नहीं, पर आपको लिफ्ट कराने वाला फील तो हो रहा है ना, दैट्स फिनिश। अभी आपको प्रेशर किसी को ज्यादा लगाना पड़ेगा किसी को कम लगाना पड़ेगा, खासकर अगर ओबेस लोग ओबेस में तो और ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुपरफिशियल जो है फेशिया डीप फेशिया बहुत मसल वहां पे फैट का डिपोजिशन है तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। फिलहाल ऑन एन एवरेज आपने देखा होगा। अब आप अपने रिंग फिंगर पर प्लेसमेंट देखिए, जरा एक्सेस करिए तो बड़ी मुश्किल से एक्सेस मिलेगा, आसानी से तो आप फील ही नहीं करेंगे। खासकर ऐसे लोग जो मोटे हैं उनमें तो ये बहुत मुश्किल से आप देख पाएंगे। एक गहरी, एक बहुत धीमी, एक बहुत हल्की, बहुत छोटी एम्पलीट्यूड से बहने वाली बहुत ही ठंडी एक पल्स आपको रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल एंड पर या फिर इंडेक्स मिडिल रिंग तीनों के प्रॉक्सिमल एंड पर, लेकिन फिलहाल आप अपने रिंग पर ही फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है, कंफ्यूज करेंगे आप। रिंग के रिंग फिंगर पर आप एक नाड़ी को फील करें, मिडिल और इंडेक्स को हटा दें तो बहुत गहराई से बहुत कंसंट्रेशन पे करने के बाद कई को तो मिल ही नहीं रही होगी एक ऐसी पल्स जो बहुत हल्की गहरी बहुत धीमी। जी अनुराग जी को मिल गई, बट सर इतनी क्लैरिटी नहीं, हाँ क्लैरिटी नहीं होगी ना, मैं बोल तो रहा हूँ क्लैरिटी नहीं होगी, 100% क्लैरिटी नहीं होगी, एक अनक्लियर, एक बहुत हल्की बहुत गहराई से बहुत ध्यान से देखने पर बहुत सावधानी से देखने पर बार बार अपने शंख मर्म को दबा दबा के उत्प्रेरित करके अपने टच सेशंस को इम्प्रूव करने के बाद धीरे धीरे आपको, एक हमारी इससे पहले नाड़ी की चिकित्सक हैं वो उन्होंने पढ़ा है सीखा है, वो कहें कि सर जब शुरू में मैंने लिटरली मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मुझे शुरू में ये कफ की नाड़ी मिलती ही नहीं थी, फिर मैंने मर्म पढ़ा, मैंने अपने शंख मर्म का उत्प्रेरण करना शुरू किया, सर अब मुझे कफ की नाड़ी भी मिलने लगी। तो ये डिपेंड करता है किसी को मिल रही होगी किसी को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का जो अपना टच का सेंसेशन है वो आपका जो सेंसेशन है वो कितना अच्छा है ये इस पे डिपेंड करता है। और जरूरी नहीं कि रश्मि पांडे जी का जो सेंसेशन है वो भानु शर्मा जी का हो, वो इंद्र जी का हो, लक्ष्य जी, हर का पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। इसीलिए नाड़ी सीखने की जो सही उम्र है, कोई 80 साल का व्यक्ति नाड़ी नहीं सीख सकता क्योंकि उसका सेंसरी लॉस नेचुरली हो चुका है। कोई पार्किंसनिज्म से पीड़ित व्यक्ति अगर नाड़ी सीखना चाहे वो नहीं सीख सकता है क्योंकि उसको ट्रेनते हैं, सर लेफ्ट हैंड में फील नहीं हो रही बट राइट में हो रही है। हाँ चलिए राइट में हो तो रही है, कहीं तो हो रही है ना आपको, अभी लेफ्ट में भी फील होगी अभी, ठीक है ना। फिलहाल आपने ये इंडेक्स और मिडिल की तो फील कर ली ना, आपने इंडेक्स और मिडिल की जो हमने बताया मिडिल वाली जो मिडिल कर्वेचर पे थ्रॉबिंग वो तो आपको कोई इसमें तो कोई शंका नहीं है। इंडेक्स पे आ रही जो मैंने बताया जो सुपरफिशियल फास्ट फीवल कोल्ड थिन एम्प्टी पल्स उसको तो फील कर लिया ना, कफ की नाड़ी को फील करने में तकलीफ होती है लेकिन धीरे धीरे 7-8 लेक्चर के बाद आप उसको भी फील करेंगे क्योंकि बार 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 सर एक रिदम है। अभी रिदम पे मत जाइए ना आप, अभी तो आप सिंपल वात पित्त कफ को देखिए, अभी हम रेट भी बताएंगे रिदम भी बताएंगे सब बताएंगे आपको। आपको मिली कफ की पल्स जो डीप है स्लो है वेवी है कूल है नहीं, और अब हम बताते हैं कि अगर आपने इंडेक्स की पल्स को देखा होगा तो वो इंडेक्स की पल्स आपको ऐसी नजर आ रही होगी। अभी हम बताते हैं ना आपको, अब हम आपको आगे दिखाते हैं जो इंडेक्स पे आ रही आपकी पल्स है, इसको मैं अब डिलीट करता हूं, आई एम क्लियर दिस ड्रॉइंग।
इंडेक्स फिंगर पर आ रही पल्स इंडेक्स फिंगर पर के डिस्टल एंड पर आ रही पल्स एक सांप जैसे चलता है, हॉरिजॉन्टली क्रीप करता है, दिस इज स्नेक लाइक पल्स। एक सांप हॉरिजॉन्टली क्रीप करता है और इरेगुलर वे में क्रीप करता है, कभी लंबे लंबे क्रीपिंग होती है, कभी छोटी छोटी क्रीपिंग होती है। सांप की गति देखना, मैं आपको प्रयास करता हूं कि मैं आपको सांप का मूवमेंट दिखा पाऊं ताकि आपको याद आ जाए कि सांप चलता कैसे है। देखो ये सब चीजें जो है, ये सभी चीजें ऐसा नहीं है, ये सब चीजें हमारे आचार्यों ने, क्योंकि उस समय ग्राफ्स नहीं थे बताने के लिए, तो इन तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग बेवकूफ थे या फिर उनको ज्ञान कम था, उस समय में इंस्ट्रूमेंट नहीं था, पर आज आप अगर गौर करेंगे तो उस समय के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन समय का जो बुद्धि थी व्यक्ति की, वो आज के मैटेरियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट से कहीं आगे थी। आपको समझ में आएगा जो आप गौर करें तो आप स्नेक का मूवमेंट देखें, आप मूवमेंट देखें, दिखाता हूं मैं आपको। वैसे तो आप सभी ने अपने जीवन में स्नेक का मूवमेंट देखा ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं याद कराने के लिए। मैं आपको सभी को दिख आप देखिए, याद आ जाएगा आपको। This is the movement of snake. The snake pushing. मैं फिर से दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। ये देखिए कैसे क्रीप करता है। तो ये सर्पेंटाइन मूवमेंट कहलाती है। तो चलिए, यानी कि इसकी जो क्रीपिंग है, जो मैंने आपको अभी चित्र बना के दिखाई थी, वो उस चित्र से आपको मिलती जुलती दिखेगी। ये आपने अभी अभी देखा है। आप अगर को आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, I can explain you. Stops. एक मिनट मैं उसको बंद करूं। Some snakes can move really fast using this method. तो ये सांप की मूवमेंट है, सर्पिल गति बोलते हैं इसे, स्नेक लाइक मूवमेंट बोलते हैं या कोबरा लाइक मूवमेंट कहते हैं, जो स्मॉल एस थ्रेड लाइक मूवमेंट है, जो इस प्रकार से सांप क्रीप करता है, ऐसा हॉरिजॉन्टली क्रीप करता है। हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग आपको मिलती है इंडेक्स फिंगर पे, और जो मिडिल पर जिसको आप थ्रॉप बता रहे हैं, वो कैसी गति है, वो एक मेढक की उछाल है। एक मेढक को देखा होगा आपने उछलते हुए, मुझे उसका वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। वो पैर का पीछे वाला हिस्सा दबाता है और यू जंप लेता है। जब वो जंप लेता है तो उसका जो सबसे टॉप वाला जंप का पार्ट है, वो आपकी उंगली के मिडिल कर्वेचर पर टकराता है, इसीलिए वो थ्रॉप आपको फील होता है, इसीलिए उस गति का नाम। देखिए, ऐसा कोई सांप नहीं चलता है, ना मेढक उछलता है, ना हंस चलता है हमारी नाड़ी के नीचे। ये हमारे आचार्यों ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को समझाने का तरीका पेपर पे उस वक्त नहीं था, तो उन्होंने उस गतियों को समझाने के लिए उन जानवरों की गति से इसका कंपैरिजन किया है। तो यदि आप जिसको थ्रॉबिंग कह रहे हैं, वो मूवमेंट एक्चुअली द मूवमेंट इज ऑफ द फ्रॉग लाइक मूवमेंट, द जंपिंग फ्रॉग, जो पीछे की तरफ पैर दबाता है और सीधा उछाल लेता है और दूसरी तरफ जाता है। तो उछाल का जो एम्पलीट्यूड है, वो फोर्स आपकी उंगली के मिडल ऑफ द कर्वेचर पर आप फील करते हैं, जिसे हम मंडूक गति कहते हैं। तो पित्त की गति मंडूक गति होती है। और जो रिंग फिंगर पर आपको फील नहीं हो रहा है, किसी तालाब में बहते हुए हंस तैरते हुए हंस की गति आपको फील नहीं होगी, आपके सामने हंस तैर रहा होगा, इतनी शांति से वो तैरता है कि आप उसे फील भी नहीं कर सकते, उसे स्वान लाइक मूवमेंट या हंस गति या राज हंस गति कहा गया है। तो वात पित्त और कफ, ये तीनों गतियों को जानवरों की गति से, एनिमल्स की मूवमेंट से कोरिलेट किया गया है, जिसमें इंडेक्स फिंगर पर आने वाली गति को सर्प गति, स्नेक लाइक मूवमेंट, मिडिल फिंगर पर आने वाली गति को मेढक की गति यानी मंडूक गति, और रिंग फिंगर पर आने वाली गति को स्वान लाइक मूवमेंट यानी कि राजहंस लाइक गति बताई गई है। आपको ये तीनों गतियां अपनी अपनी तर्जनी, मध्यमा और
जो हमारी अनामिका अंगुली है उस पर आपको फील करनी है। आप आज के लिए आपको मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तीनों उंगलियों पर इन तीनों गतियों को फील करें कभी, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अलग अलग बार क्रमशः उंगलियों को परस्पर हटाते हुए एक साथ लगाते हुए बार बार बताऊंगा कि कर्वेचर को लगाना है। उंगली को ऐसे नहीं लगाने का, हमेशा व्हाट वी आर फीलिंग दैट इज एट द कर्वेचर, कर्वेचर पर हमने लगाना है। पित्त पल्स का कैरेक्टर लिख लीजिए, जो पित्त की पल्स है वो मंडूक गति है। मैं अभी आपको उसका डायग्राम बनाता हूँ, बिल्कुल अभी आपको उसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये तो बात दिखा आपने, और अभी मैं आपको इसी में पित्त दिखाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये स्नेक लाइक था, और पित्त के जो कैरेक्टर है वो ऐसा है, ये यहां से ये आया, ये मेंढक टकराया, ये दिस इज कॉल्ड मंडूक गति। इसको बोलते हैं मंडूक गति, जो कहां पे उंगली के मध्यम कर्वेचर पर हमें फील होती है, इसको बोलते हैं मंडूक गति। और जो तीसरी गति है जिसे हम राजहंस गति कहते हैं, जो एक स्वान लाइक मूवमेंट होती है, एक छोटी सी तरंग, एक हल्की सी तरंग हमें इस प्रकार की हमें रिंग फिंगर के प्रॉक्सिमल एंड पर होती है। तो यदि आप गौर से देखें, अब मैं तीनों को इसको पूरा ही डिलीट करता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि वात की गति कैसी है, तो स्मॉल थ्रेड लाइक, नहीं मैंने बताया पित्त की गति कैसी है, तो मंडूक गति, और मैंने कफ की कैसी बताया, राजहंस गति। दिस इज द स्नेक, दिस इज द फ्रॉग, एंड दिस इज द स्वान। अच्छा ये बताइए, आप अगर आप इसका पूरा ग्राफ अगर आप एक साथ मिलाएं, तो आज क्या ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव नहीं दिख रहा है आपको? बताइए आज से ये तो अभी 200 साल पुराना ज्ञान है, जो बीसीजी की मशीन आई तब ये ग्राफ हमें हार्ट में दिखा, और ये ज्ञान रावण जी ने तो भगवान शिव से हजारों साल पहले ले लिया था बिना ईसीजी के, नहीं रेणुका दास जी, अब नोबेल प्राइज नहीं मिला ना हमको बिना ईसीजी की मशीन की इजाद किए हुए, हम ग्राफ नहीं बता पाए, हमको नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि हम जो है हम बता नहीं पाते हैं ना, हमारे तो बताइए कि भगवान शिव की या फिर रावण की बुद्धि में या फिर कणाद की बुद्धि में ईसीजी मशीन तो पहले से ही फिट थी, तभी तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको। अब आप मॉडर्न साइंस वाले कहोगे तो बोलोगे नहीं नहीं ये सब संहिता है ना, आपने चोरी करके हमारे ईसीजी का जो है ना ईसीजी के बाद श्लोक सब बना दिए हैं आपने, ऐसा आपको बोलेंगे। इसको बोलते हैं ना वितंडा करना, हमने तो नहीं, ये हम नहीं बता रहे, हमने सोचा, हमने नाड़ी पढ़ाने के दौरान ही ये बात सोचा, जब इन्हें ग्राफ को हमने एक साथ जोड़ा तो हमें तो ये वेव इस तरह की नजर आने लगी, जिसमें पी वेव जो आजकल ईसीजी दिखाती है वो स्नेक लाइक मूवमेंट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है वो फ्रॉग लाइक मूवमेंट, और जो स्वान का मूवमेंट है वो हमारा टी वेव के लाइक है। तो अगर हम इसको वात कह दिया हमने, इसको पित्त कह दिया, इसको कफ कह दिया, क्या गलत कह दिया साहब? और इन्हीं गति को उस समय में ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था नहीं, या हम पल्स ग्राम या हम जो भी कहें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो हार्ट के मूवमेंट को दिखाता है, तो वैसा ही मूवमेंट पल्स पे भी तो आएगा, हार्ट के रिदमिक मूवमेंट से ही तो पल्स धड़क रही है, तो वही इंप्रेशन तो आएगा, चलो वैसा नहीं आएगा पर मिलता जुलता इंप्रेशन तो आएगा। तो उसका नाम उन्होंने सर्प गति, मंडूक गति और जो है हंस गति रख दिया। तो कैसा लगा आपको ये बताइए, हमारी विज्ञान कितना अद्भुत है, नहीं नाड़ी विज्ञान कितना अद्भुत है आज के विज्ञान से, आज जो चीज विज्ञान जो है आज सोच रहा है ये आज से लाखों साल पहले। मैं इसलिए कहता हूँ जो आयुर्वेद हम पढ़ते हैं ना, ये आयुर्वेद तो बहुत अभी का ग्रंथ, तो मैं तो आयुर्वेद तो मिलावटी है हमारे पास, चरक सुश्रुत और वाग्भट, ये मिलावटी ज्ञान है, दिस इज अ मिलावटी ज्ञान जो हम पढ़ते हैं चरक सुश्रुत और वाग्भट में। हमें आज तक बताया ही नहीं गया है कि ये आयुर्वेद है, ये तो आयुर्वेद है ही नहीं, जो हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता पढ़ रहे हैं ये तो इंसान के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, जिन्होंने वेदों के कुछ अंशों को डाला है उसमें, लेकिन जो हमारा जो वेद था जो लुप्त हो गया, जिसके कुछ अंश मिलते हैं, जिसमें नाड़ी, जिसमें मर्म, जिसमें वास्तुकला, ऐसी कैसी कई कलाएं थी,
वो वेद में जो ज्ञान था, जिसे सनातन संस्कृति कहा जाता था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं था, ये सारे धर्म उसके बाद आए, इवन इस्लाम भी उसके बाद आया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस्लाम भी हमारे वेदों से उसमें इंप्रेशन है। इसीलिए इस्लाम एकेश्वरवाद को मानता है, इस्लाम जो है वो बुत परस्ती को नहीं मानता है, क्योंकि हमारे वेद भी नहीं मानते थे। हमारे वेद में का श्लोक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा कोई नहीं है। इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह एक है दूसरा कोई नहीं है। हमने क्या किया बाद में, हमने बाद में इसको अपने हिसाब से डिफाइन किया, हमने भगवान के अलग अलग रूप बता दिए, हमने मूर्ति पूजा को उसमें जोड़ा, हमने बुत परस्ती को जोड़ा, हम वेद से अलग चले गए, वेद विरोधी एक पूरा समाज खड़ा हुआ, सनातन संस्कृति खत्म हुई, लोगों ने उसी को हटाते हुए इस्लाम को अडॉप्ट किया। वहीं से पूजा पद्धति उसमें इतनी इतनी चीजें डाल दी गई कि लोगों के लिए इतना कॉम्प्लिकेट बन गया वो ज्ञान, वो धर्म, और उसको धीरे धीरे लोगों ने अलग अलग सिखिज्म को अप्लाई अडॉप्ट किया, बौद्धिज्म को अडॉप्ट किया, जैनिज्म को अडॉप्ट किया, विभिन्न पंथों को अडॉप्ट किया, और वो सारे हमारे आयुर्वेद पर उसका इंप्रेशन है। आप देखो आयुर्वेद पर चार्वाक के नास्तिक दर्शन का इंप्रेशन है, आयुर्वेद पर जैनिज्म का इंप्रेशन है, आयुर्वेद पर बुद्धिज्म का इंप्रेशन है। तो आयुर्वेद आयुर्वेद कहाँ रहा, आयुर्वेद तो अथर्ववेद था, जो वेद का एक हिस्सा था उस, वो तो आज मिक्स हो गया। तो आज जो हम पढ़ते हैं वो आयुर्वेद नहीं है जो वेदों में था। तो वेदों का ये देखो आप, वेद का ज्ञान आज का विज्ञान इसको देख करके आश्चर्यचकित होगा, लेकिन हम बताएं क्यों, हमें क्यों बताना है एलोपैथ वालों को, तुमको तभी तो वो पीछे पीछे जुड़े हैं, वो पल सीखने के लिए आते हैं एमबीबीएस वाले, कि यार क्या ज्ञान है इनके पास, शंख मर्म पैर, वर्षा रानी जी को शंख मर्म का रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, एक नाड़ी से क्या है, वर्षा रानी जी इसके लिए आपको मर्म पढ़ना पड़ेगा, अभी मैं शंख मर्म बताऊंगा तो आप फिर नाड़ी भूल जाएंगे। शंख मर्म एक ऐसा मर्म बिंदु है जिस मर्म बिंदु का प्रभाव हमारे टेक्टाइल सेंसेशन को इम्प्रूव करने में होता है। कभी आपको अच्छा हो तो आप मर्म की क्लास में आना और मर्म को शुरू से पढ़ना तो समझ में आएगा, इतना अद्भुत ज्ञान है। ये सभी ज्ञान हमारे आयुर्वेद में नहीं है। क्या बृहत्त्रयी में नाड़ी विज्ञान का वर्णन है, क्या बृहत्त्रयी में मर्म विज्ञान का वर्णन है, नहीं वर्णन है इनका। इसका मतलब है कि आयुर्वेद जो हम पढ़ते हैं ये केवल मटेरियलिस्टिक साइंस है, ये वो मनुष्य चिकित्सा का केवल हिस्सा है, जबकि वैदिक चिकित्सा के हिस्से चार थे। पहला हिस्सा अथर्वणी चिकित्सा थी, जिसे आयुर्वेद में दैवीपाश्रय चिकित्सा या सत्वावजय चिकित्सा के रूप में जाना जाता था। दूसरा हिस्सा जो दैवी चिकित्सा थी, जिसको पंच भौतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता था। तीसरा चिकित्सा जो आंगिरसी चिकित्सा थी, जिसमें हम कोई दवा का यूज नहीं करते थे, हम केवल अंगों का उत्प्रेरण करके, अंगों का टच करके डायग्नोसिस भी करते थे, ट्रीटमेंट भी करते थे। और चौथी जो चिकित्सा थी वो मनुष्य चिकित्सा थी, जो उस समय भी थी, हम दवाइयों को बनाते थे, हम सर्जरी करते थे। तो ये डिफरेंस था। तो आपने देखा कैसे सर्वगति आपको नहीं नजर आ रही है कि आज जिस पी वेव की बात करते हैं हम, कार्ड जो ग्राम ग्राफ बनाते हैं उसमें, वो सर्वगति नहीं है। यदि हम QRS कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो क्या वो मंडूक गति नहीं है? यदि हम टी वेव्स देखते हैं तो क्या वो राजहंस गति नहीं है? यदि हमारे आचार्यों ने उस वक्त कागज नहीं था, उस वक्त लिखने के साधन नहीं थे, पर उनकी बुद्धि देखो, उन्होंने अपनी बुद्धि से उस ग्राफ को देखा और उस ग्राफ से उन्होंने उस ग्राफ का कंपैरिजन उन पशु और पक्षियों से किया, तो क्या कितनी बड़ी बुद्धि थी, कितनी त्रिकालदर्शी थे। कहते हैं ना कि उनकी तीसरी आंखें त्रिनेत्र जागृत था उनका, और कई तो गुरु नाड़ी गुरु थे उसमें। तो हमको ये बात जान के बहुत गर्व होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आज मुझे यही बताना था कि पहली बात तो आपने आज ये देखा कि हमारी उंगली के कर्वेचर के तीनों हिस्सों पर तीन चीजों का इंप्रेशन आता है, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इंडेक्स, मिडल और रिंग पर हमें क्रमशः वात, पित्त और कफ का इंप्रेशन आता है। मैंने आपको ये बताया कि इंडेक्स के डिस्टल एंड पर, डिस्टल का अर्थ हार्ट से दूर, मिडल के मिडल एंड पर और रिंग के प्रॉक्सिमल एंड पर क्रमशः वात, पित्त और कफ का इंप्रेशन आता है,
कैसा आता है? वात एक स्मॉल एस थ्रेड लाइक जो है क्रीपिंग स्ट्रक्चर लाइक मूव करता है, वहीं पित्त एक जो है फुल वॉल्यूमिनस थ्रॉब लाइक आपको बिहेवियर देता है, जबकि रिंग पर आने वाले कफ को एक्सेस करना आपको कठिन होता है। तो यहां तक आप इसको अभ्यास करिए, कल हम इसके बाद आगे चलेंगे आपको लेके। प्रेम इंसा जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, नमस्कार जी प्रेम जी। तो हम आपको नाड़ी पढ़ाते हैं, नाड़ी और मर्म एक साथ जुड़ते हैं, ये दोनों ही विद्याएं आयुर्वेद में नहीं पढ़ाई जाती हैं और आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। मुझसे लोग संदर्भ पूछते हैं तो ना मैं मर्म का कोई संदर्भ देता हूँ, ना मैं नाड़ी का कोई संदर्भ देता हूँ। मैं कहता हूँ दीज साइंस आर मोर फार बियॉन्ड द प्रेजेंट आयुर्वेदिक साइंस, ये वेदों का ज्ञान है। यदि आपको देखना है तो आप जाइए, आप कणाद संहिता पढ़िए, आप रावण की जो खंडित अवस्था में जो आपको कहीं पर मिल जाएंगे किसी आचार्य नाड़ी वैद्य के द्वारा संकलित, आप उसको देखिए, वहां ये सब वर्णन है। मैं आपको उसके संस्कृत के सूत्र भी बताऊंगा जिसमें कहा है कि सर्प जल सर्प गति, मंडूक गति और राजहंस गति। ये आज हम मैं नहीं बता रहा हूँ कोई ईसीजी का या किसी पल्स की वेव को देख करके इंप्रेशन दे करके मैं बता रहा हूँ। मैं इसके संदर्भ आपको मैंने उस दिन पीपीटी में भी बताया था, मैं फिर बताता हूँ आपको। वो संदर्भ आज से हजारों साल पुराने हैं, इसको हमने नहीं ईजाद किया है, हमारा कोई रोल नहीं है, हम केवल इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम केवल आपको इसको बता रहे हैं, क्योंकि आप और हम इसको जानते नहीं है, और हम जानते नहीं है इसलिए हम बता नहीं पाते, और हम अपनी विद्या को हमेशा हे दृष्टि से लिखते हैं, देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस है, जो रेफरेंस कहता है अभी बहुत सारी गतियां हैं इसमें, अभी तो हम केवल आपको कुछ ही गतियां बता रहे हैं। हम आपको यहाँ पे कहते हैं कि देखिए इसमें कह रहे हैं कि ये देखिए इसमें एक रेफरेंस है, जो रेफरेंस में पढ़ के आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो कणाद कहते हैं कि आदौ च बहते वातो, आगे आगे बहने वाला वात है, मध्यम पित्तम तथैव च, मध्य में बहने वाला पित्त है, अंतौ च बहते श्लेष्मा, और अंत में बहने वाला श्लेष्मा है। देखो एक तो नंबर एक बात यह है। दूसरा रेफरेंस कहते हैं कि वात वक्रगता नाड़ी, देखो वात वक्रगता नाड़ी, वात की नाड़ी वक्री चाल से चलती है जिसे हम टेढ़ी चाल कहते हैं। वात वक्रगता नाड़ी चपला पित्त वाहिनी, और पित्त की जो ले जाने वाली नाड़ी है वो चपल है, वो थ्रॉब करती है, स्थिरा श्लेष्मवती गेया, और जो कफ को बहन करने वाली जो स्पंदन है वो स्थिर है, ये बात कहते हैं। और आगे का रेफरेंस देखो, सर्प सर्प आदि गति वदंती विबुद्धा प्रबंजनेन गति नाडिम, ये बात के लिए कह रहे हैं। पित्तेन पित्तेन भेकादि गति, पित्तेन भेकादि गति यानी पित्त की जो गति है वो भेक जैसी गति है, और विधु सुधीह, और आगे कहते हैं राजहंस गति चकफम, यानी कि कफ की गति जो है वो सामान्य गति, वो राजहंस की तरह की गति है। तो आज आपको मैंने सामान्य वात और पित्त और कफ की गति बताई, जिसको हम इंडेक्स मिडल और रिंग पर देखते हैं। मैंने बताया कि इंडेक्स फिंगर पर आने वाली पल्स सुपरफिशियल कोड लाइट थिन फीबल और एम्प्टी होती है, मोर प्रेशर देने पर वो डिसअपीयर होती है, फास्ट होती है और इरेगुलर होती है। सांप की चाल देखोगे तो सांप रेगुलर पैटर्न नहीं लेता है, इरेगुलर पैटर्न लेता है, क्रीपिंग में कभी बड़ी बड़ी क्रीप लेता है, कभी छोटी छोटी क्रीप लेता है, और इसको इंडेक्स फिंगर के आप पर फील कर सकते हो, इसी का नाम कोबरा मूवमेंट दे दिया। पित्त की पल्स मैंने बताया कि पीछे की तरफ धक्का देते हुए जंप करता है जो मेढक है, तो जो ऊपर की तरफ उसका हाई एम्पलीट्यूड आएगा वो आपके मिडल ऑफ द कर्वेचर पर फील होगा, जिसकी वॉल्यूम बहुत अच्छी होगी, कंसिडरेबल फोर्स लगेगा, और मिडिल फिंगर पर आप इसको अच्छी तरह से फील कर सकते हो, लीपिंग फ्रॉग की तरह होगा, जिसे हमने मंडूक गति कहा, उछलता हुआ मेढक, दैट इज कॉल्ड लीपिंग फ्रॉग। और कफ की गति जो है वो बहुत स्लो होगी, वॉटरी होगी, वेवी होगी पर कूल होगी, और ये एक स्विमिंग लाइक अ स्वैन, जैसे एक स्वैन मूव कर रहा है वैसी गति होगी। तो हमने आपको वात पित्त कफ की तीनों गतियां बताई, उंगली के कर्वेचर के तीन हिस्से बताए, उन तीनों हिस्सों पर आने वाला इंपैक्ट बताया। पहले आप इसको अच्छी तरह से देखिए, इस पर अभ्यास करिए, क्योंकि अब हम आगे आपको इसके आगे ले चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, 50 से ऊपर मिनट हो चुके हैं, एक घंटा होने वाला है। थैंक यू, आपको आशा है कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कल मुझसे
इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। पहले आप इसको देखिए, इसको अभ्यास करिए, इसको समझिए। कफ की नाड़ी, कफ का स्पंदन आपको दिक्कत से फील हो रहा है, बहुत सामान्य चीज है। पित्त की का स्पंदन आपको बहुत अच्छी तरह से फील हो रहा है, ये बहुत सामान्य चीज है। और वात का स्पंदन आपको ठीक ठाक फील हो रहा होगा, ये बहुत सामान्य नॉलेज है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नाड़ी देखने का सही समय कब है? प्रातः कृत समाचार कृताचार परिग्रह सुखासीन सुखासीनम परीक्षार्थानुपाचरेत, ये कणाद ने कहा है, तो इसको हमने जरूर ध्यान रखना है और इस तरह से हमने नाड़ी देखनी है। तो धन्यवाद। मर्मा क्लास कैसे ज्वाइन करें? आप तो क्लासेस आगे बढ़ गई हैं, आप मुझे मैसेज करेंगे, आई विल एड यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन ज्वाइन आफ्टर फिलिंग द गूगल फॉर्म। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।